जो स्टूडेंट जो हॉबी रखते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में, उनके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। यदि आप लोग ड्राइंग के क्षेत्र में आप बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी ड्राइंग बने वो परफेक्ट बने, अच्छा बने, उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा। वो बुक आप लोग के लिए बेस्ट हो सकती है। और जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो उस दौरान मुझे एक बुक दिखी। बुक का नाम है आप भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसे मैंने देखा क्या कि इसमें बताया गया कि ह्यूमन फिगर को इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, शेडिंग कैसे किया जाए, और शेडिंग के साथ साथ जो है पर्सपेक्टिव लेवल का भी जो है आपको इजी तरीके से नॉलेज दिया गया है। और ज़्यादा बड़ी शब्दों में नहीं लिखा है, बहुत ही कम से कम शब्दों में जो है आपको इसमें जानने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बुक आप लोग के लिए काम आएगा। आइए चलते हैं इसके बुक में सारांश को देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें जो है हमें जानने को मौका मिलता है, और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो से पहले से देखते आ रहे हैं वो भी जान पाएगा। जो लोग एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ इसके जरिए, जो है इस बुक के जरिए, कि इस बुक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बुक है जो आप भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसमें क्या क्या हमें जो है जानने को मिलता है, तो ये लेखक हैं और अनुदाक और संपादक हैं सुरेंद्र सुमन जी हैं। इसके अलावा आप जो है इसमें प्रस्ताव दिया गया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के जरिए हमें आपको मिलेगा, प्रस्तावना दिया गया है, और इसमें इतनी खूबसूरत जो है लाइनिंग के साथ जो है आपको फिगर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि यदि किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सामने कोई बैठा हुआ है, तो कैसे नापते हैं। इसमें शेडिंग के बारे में बताया है कि सर्कल में शेडिंग, हैचिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप से जो है आपको बताया गया है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए यदि आप शेडिंग कर रहे हैं तो, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट को शेडिंग कैसे करते हैं 45 में, या मर्ज कर कैसे अप्लाई करनी चाहिए, इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। तो मतलब सिंपल सिंपल तरीके से। इसके अलावा ब्रश को कैसे यूज में करें, जल रंगों का कैसे प्रयोग करना चाहिए ये भी बताया गया है। इसमें हाईलाइट डार्क लाइट को कैसे प्रयोग में लाना है, ऑब्जेक्ट को कैसे हूबहू जो है इसमें प्रयोग करें, कैसे ड्रॉ करें, और अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमें जो है ट्री वृक्ष को कैसे बनाया जाए, कैसे इसकी शेप दें, उसके बाद कैसे इसको शेडिंग देनी चाहिए, इसमें बताया गया है। इसके अलावा बड़े आकार के जो सब्जेक्ट होते हों, यदि हम छोटे पेपर बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाएं, ये भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसमें देख पा रहे हैं कि फ्लावर में भी शेडिंग क्यों बताया है, तो आप इसको पढ़ना होता है कि आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति का रेखांकन करते हैं तो उसमें कैसे जो है, यदि आप हैंड बनाते हैं तो वो किस टाइप से बनाएंगे, कैसे इसका इजी तरीका होता है, रूल्स क्या है, ये भी आपको जानने को मिलता है। इसके अलावा जो पैरों के बारे में, जो फेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जो है आपको मिलता है, जैसे कि फ्रंट पे कैसे है, यदि साइड में जो है अंदर का जो स्कल्पचर होता है वो किस टाइप से दिखता है, इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फेस के अलग अलग एंगल जो है इजी तरीके से बनाने का ये कहा गया, और आपको आइडिया भी दिया, गाइडलाइन भी दिया है कि आप जब आप ड्रॉ करते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान देने वाले हैं, तो फेस के व्यक्ति चित्रण के लिए, पोर्ट्रेट के लिए, और इसके अलावा लाइट, और जैसे कि प्रकाश की बात कर रहे हैं, छाया रेखांकन की बात कर रहे हैं, शेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, कलर से, हर तरीके से शेडिंग के बारे में जो है इसमें टोन के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पेन को और स्याही के माध्यम से कैसे टेक्सचर दिया जाता है, अलग अलग तरीके से जो है इसमें बताया गया कि लंबे स्ट्रोक कैसे देते हैं, बिंदु देकर कैसे करते हैं, हैशिंग कैसे यूज करते हैं, यदि हम कोई भी राइटिंग जो लाइनिंग देते हैं तो वो लाइनिंग को किस किस तरीके से दिया जाता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग देते हैं या किसी तरह का टेक्सचर होता है उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें भी आपको बखूबी लिख के और बाकी आपको दिखाया गया है इसमें है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग है उसमें छाया और प्रकाश का बारे में बताया गया कि कैसे कहाँ कहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड में और ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है उस पर कैसे हम उसको शेडिंग करते हैं, या कैसे उसको समझते हैं, इसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसमें बखूबी बताया गया है। और टोन, जैसे कि जो भी ह्यूमन फेस होते हैं उसमें टीन का क्या रोल होता है उसके बारे में जो है आपको जानने को मिलता है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसमें भी बताया गया है। इसके अलावा महान चित्रकारों ने टोन को किस तरह से इस्तेमाल किया, कैसे प्रयोग किया, कैसे हाईलाइट दिखाया है, ये भी बखूबी इजी तरीके से इसमें बताया गया। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा सा जो है ये बुक देखने को मिलता है कि काफ़ी सिंपल वे में, काफ़ी कम शब्दों में जो है
इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ड्राइंग में यदि आप कोई भी टहनी को बना रहे हैं तो उसमें टेक्सचर जिस तरह से दिखता है, इसमें भी आपको आसानी तरह से बताया गया कि कैसे उसमें हाईलाइट डार्क लाइट को उठाना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे फूलों का पुष्पण को कैसे चित्रण करना चाहिए इसके बारे में आपको बताया गया कि कैसे आप किसी पुष्प को रखेंगे, कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें भी आपको इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो है पानी का लहरों में जो टोन होता है, यदि शेडिंग देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि दो टाइप का इसमें शेडिंग दिया गया है, तो इसके बारे में बखूबी इसमें लिखा गया है। तो यदि हम देखा जाए तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे कि मॉडल यदि स्टडी करते हैं, मानव मॉडल यदि आप बनाते हैं, चाहे आप आम बनाएं, चाहे आँख बनाएं, चाहे माउथ बनाएं, चाहे नोज बनाएं, उसके बारे में आपको बनाने की ड्राइंग के बारे में बताया गया है और दिखाया गया कैसे ड्रॉ करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को देख कर आप ड्रॉ करने वाले हैं। इसके अलावा जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके फेस के अलग नियम होते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं। जब एक्सप्रेशन देते हो तो एक्सप्रेशन के क्या रोल्स होते हैं, जब वृद्धावस्था होती है तो किस तरह से फेस पर लाइट टोन पड़ते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है यदि ग्रुप में कोई शेडिंग दी जाती है, यदि ग्रुप मतलब जो भी समूह का चित्रण कैसे किया जाता है, बैकग्राउंड में शेडिंग कैसे की जाती है, यदि भीड़ भाड़ को हमें दिखाना होता है तो कैसे देते हैं, इसके बारे में भी बताया गया। इसके अलावा भवन और इमारतों को कैसे ड्रॉ किया जाता है, या फिर पहले के इमारतों में जो चित्राकार जो है किस तरह से जो है प्रयोग करते थे, किस नियमों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में भी इसमें बताया गया कि किस तरह से पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है अनुपात, यदि हम किसी भी फेस को बनाते हैं आमने सामने बैठे व्यक्ति, या फिर हम किसी रेफरेंस को कॉपी करते हैं, तो किस तरीके से हम जो है आज आई को रखते हैं, मतलब जैसे कि जितनी बड़ी आई जो होती है बीच में गैप उतनी होती है, उसके अकॉर्डिंग नोज की चौड़ाई होती है, तो ये अनुपात के बारे में भी जो है बड़ी आसानी से आपको बताया है। तो मतलब उम्मीद है कि ये सारी चीज़ जो है आपके लिए बेटर हो सके। इसके अलावा जो है शरीर के अनुपात के बारे में इसमें बताया है, यदि आप शरीर के अनुपात फेस के अकॉर्डिंग कितना गुना रखते हैं, मेल फीमेल के बॉडी में दोनों में बनावट में कैसा मतलब डिफरेंस होता है, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो पर्सपेक्टिव का अनुपात बताया गया कि यदि आप किसी भी ह्यूमन यदि सोया हुआ है तो उसको यदि फ्रंट से आप देख के बना रहे हो तो कौन सा हिस्सा कितना बोल्ड होता है या कितना छोटा होता है, तो पर्सपेक्टिव लेवल का मानव ड्राइंग में क्या रोल होता है, इसके बारे में बताया गया और उसमें कुछ ड्राइंग भी आपको दिखाया गया है। इसके अलावा यदि हम पर्सपेक्टिव की में बात करें कि आंतरिक जो घर या आउटडोर की जो है ड्राइंग कैसे होती है, जैसे कि अभी इंडोर का बताया गया है कि पर्सपेक्टिव कैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव काम करता है, या फिर किसी महलों में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है, तो ये भी आपको बताया गया है। इसके अलावा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बताया है कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे जो है इमारतें दिखती हैं या कैसे ड्रॉ करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में, और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंडस्केप में देखा जाए, अलग अलग जगहों पर की बात करें तो हर जगहों पर पर्सपेक्टिव का बखूबी अच्छे से जो है इसमें बताया गया है। संयोजन किस टाइप से होता है या कैसे संयोजन करें कि ताकि दर्शक का ध्यान इसमें बना रहे, इसमें भी आसानी से बताया गया है। तो कंपोजिशन बहुत मेन होता है, यदि आप एग्जामिनेशन में बैठते हो या कोई भी फिगर बनाते हो या किसी भी फोटोग्राफी करते हो तो हर जगह कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आकृतियों का हर तरीके से इसका जो है बखूबी नियमों के बारे में इसमें बता रखा है। इसके अलावा महान चित्रकारों का कंपोजिशन में क्या रोल होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें अब हर एक रूल्स को अप्लाई किया गया है कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, कैसे जो है इसको बनाना होता है, कैसे लाइट सेट करनी है, कैसे जो है यदि ह्यूमन दिख रहे हैं तो कैसे उसको ड्रॉ कर बनाना होता है। तो ये आपको इसमें पढ़ने से आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा पेंसिल को किस तरीके से जो है शेडिंग अप्लाई किया गया है, कैसे हाईलाइट टोन भरा गया है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सामने रखा हुआ है, किस तरह से इजली और फास्टली बनाते हैं, इसमें भी बताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मास और ये जो होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में यदि आप महलों का ड्राइंग यदि देखते हो तो उसमें किस रूल्स को अप्लाई करते हैं, या लैंडस्केप बनाते हो तो जो जहां आप बैठे होते हो वहां बैठकर जो उस तरह से नियमों का अप्लाई करते हो, जिस तरह से स्टोन अप्लाई करते हो, कैसे हाईलाइट दिखाते हो, तो ये भी इसमें जो है बहुत ही डिटेलिंग से तरीके से बताया गया है। इसके अलावा कलाकृति का संयोजन के बारे में बताया गया है वाटर कलर के जरिए। तो इसमें आप देख सकते हैं
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको जानने को मिलती है, और संक्षिप्त में बहुत बड़ी बड़ी शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही जो जिस आर्टिस्ट ने इसको इसको आपके सामने प्रस्तुत किया तो बहुत ही सिंपल रखने का प्रयास किया, ताकि हर एक छोटे से छोटे स्टूडेंट्स जो है, बड़े से बड़े लोग भी जो है बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ कर जो है अपनी ड्राइंग के क्षेत्र में जो है अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकें या फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो इसमें देख सकते हो यदि आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो, इसके अभ्यास और इसकी योजना क्या होती है, इसके क्या लाभ होते हैं, लाभ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर व्यक्ति चित्रण के बारे में मैंने बताया कि व्यक्ति चित्रण का पहले कैसे यूज होता था, प्रेजेंट टाइम में क्या यूज हो रहा है और कहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देते हैं, यदि आप अभी प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं यदि फोटोग्राफी के थ्रू तो कैसे बनाते हैं, ये इसके बारे में बताया गया, मतलब आधुनिक तरीके से भी इसमें आपको नियमों को बताया गया है जी। इसके अलावा जो है योजना बनाना और स्थान बदल कर स्केच करना, तो ये अलग अलग घर के अंदर यदि आप बैठते हैं तो अलग अलग स्थानों में बैठते हैं तो वहाँ पर कैसे जो अंदर का जो एनवायरनमेंट दिखता है उसको कैसे ड्रॉ करना, कैसे शेडिंग देखना होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो मैं बहुत ही फास्टली मैंने आप लोगों को बताया, और इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं सामने रखकर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसके जो है लाइनिंग देनी है, कैसे शेडिंग देनी है, इसके बारे में बताया है। तो घर में बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग जो है जो घर पे जो भी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर कोई पशु हो गया, जैसे कोई भी साइकिल वगैरह हो गया, पशु हो गया, उनके नियम क्या होते हैं, कैसे उसको मतलब ड्रॉ करते हैं, उनके नियमों के बारे में भी आप जान सकेंगे। फेस के बारे में व्यक्ति के दोबारा जो है इस नियमों को फॉलो करने के लिए बोला है, तो इसमें बखूबी इसमें बताया ऑब्जेक्ट ड्राइंग की अलग अलग इसके बारे में बताया कि जो नेगेटिव साइड क्या होता है, पॉजिटिव साइड क्या होता है, उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आपको जानने को मिलता है। तो मैंने देखा कि इसमें शेडिंग के बारे में जो है बड़ी ही पुख्ता जानकारी दी गई है, और टोन के बारे में पुख्ता जानकारी दी गई है, मतलब कलर टोन तो नहीं है लेकिन देखा जाए तो शेडिंग के बारे में जो है इस बुक में बखूबी, ड्राइंग के बारे में बखूबी जो है इसमें नॉलेज दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बुक्स है आप लोग के लिए कारगर होगा, और ये बुक्स जो है मुझे लगता है शायद आपको कहीं भी किसी जगह से भी आप दे सकते हैं, गूगल पर यदि आप सर्च कर पाएंगे तो आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही हमें कमेंट में बताइएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि अगली बार भी जो है कई किसी नए बुक को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप भी जो है उस बुक के ऊपर कर जो है अपने स्किल को, अपने अंदर का जो टैलेंट्स है उसको और उभार सकें। ओके, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और अपने स्टडी को और अपने ड्राइंग को इम्प्रूवमेंट करते रहिए।